एंड सब्जेक्ट साइंस क्लास सेवन पार्ट फर्स्ट चैप्टर एट। तो ये कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, आगे बढ़ते हैं वाटर से। वाटर व्हेन वाटर मूव्स अराउंड माउंटेन्स रॉक्स एंड कैरीज लूप रॉक्स विद इट। पानी चट्टानों से नहरों के थ्रू आता है। द मूविंग रॉक्स हिट अदर रॉक्स ऑन द वे। ऐसे रास्ते में जो चट्टान होते हैं आपस में टकराते हैं, कभी पानी में कुछ बह के आ जाते हैं, वो आपस में टकराते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। द फाइन पार्टिकल डेट चिप फ्रॉम द रॉक्स गेट डिपोजिट इन द रिवर बीड्स एंड सॉइल। और ऐसे टुकड़े जो आपस में टकराते हैं पानी के भाव से, फिर वो आपस में टूट जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। विंड हवा व्हेन विंड ब्लो एट हाई स्पीड, जब हवा बहुत तेज स्पीड में चलती है इन द माउंटेन पहाड़ों पे। लूज रॉक्स स्लाइड डाउन द स्लोप, तो जो पहाड़ों से ऊपर जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं वो रॉक्स होती हैं, वो गिर जाते हैं, ऊपर से ढलक जाते हैं। दे हिट अगेंस्ट अनदर एंड ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेस, और आपस में जब वो गिरते हैं, बहुत सारे एक साथ गिरते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकरा के ये एक दूसरे में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं नीचे आते आते। द विंड कैरीज दी फाइन पार्टिकल एंड डिपोजिट एज वेयर एज सॉइल, और जब भी आप उन्हें टकराते हैं तो मिट्टी बन जाते हैं। टेम्परेचर लार्ज वेरिएशन द डे एंड नाइट टेम्परेचर आल्सो लीड्स टू वेरिंग ऑफ रॉक। रॉक एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट। दिस प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। द स्मॉलर रॉक पीसेस फाइनली चेंज इनटू सॉइल। कुछ कुछ टेम्परेचर से भी इसमें होता है, जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग। रूट्स ऑफ प्लांट पौधों की जड़ें कैन ब्रेक सॉइल, जो चट्टानों को तोड़ देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। समटाइम कभी कभी सॉइल गेट ट्रैप्ड इन द ट्रैक्स ऑफ वुड रॉक्स। व्हेन अ सीड फॉल इनटू द सॉइल, जब एक बीज मिट्टी में गाड़ के बड़ा होता है, इट समटाइम जर्मिनेट, जब वो आगे बढ़ता है, द रूट ऑन द ग्रोइंग प्लांट, तो जो पौधे का बढ़ना होता है कैन ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉलर पीस। अगर कोई चट्टान में टुकड़ा सीट रह गया है और सीट जब बढ़ता है इसमें घुस जाता है और जब उसमें पेड़ उगता है तो वो बड़े बड़े चट्टान को तोड़ देता है, उसकी जड़ इतनी मजबूत होती है। ब्रोइंग एनिमल आल्सो ब्रेक एज दे डिग। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एनिमल्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कहीं पेड़ पे बैठे, उन्होंने कुछ खा लिया, किसी का बीज खा लिया और फिर उन्होंने बीज डिग किया और उससे भी उसमें बीज आ जाता है और वो भी ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिससे चट्टाने टूटती हैं, मतलब पेड़ उगता है पेड़ की जड़ की फोर्स से। सॉइल प्रोफाइल ए वर्टिकल सेक्शन दैट शो दैट डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल और हॉरिजन व्हेन इट कट स्ट्रेट डाउन इनटू द सॉइल इज नॉट अ सॉइल प्रोफाइल। द लेयर ऑफ सॉइल सीन इन अ प्रोफाइल आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, जो हमें ऊपर की परत दिखती है सॉइल की उसको हॉरिजॉन कहा जाता है। ईच लेयर ऑफ सॉइल डिफर, हर परत मिट्टी की हर परत एक अलग अलग होती है, उसकी अलग एक अपनी उपज होती है। ए हॉरिजॉन ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के हॉरिजॉन के बारे में बात करेंगे। ए अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इसका हॉरिजॉन ए, इसमें आपको चार्ट में दिखाई रखा होगा कि सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे ऊपर की जो परत होती है टॉप से, उसको हॉरिजॉन ए कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल, और इसको टॉप सॉइल के नाम में भी जाना जाता है बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, क्योंकि ये सॉइल की सबसे ऊपर की परत होती है। इट इज यूजली द डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल, ये ऊपर की परत डार्क कलर की होती है। इट कंटेन अ लॉट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डिकेड मैटर ऑफ प्लांट एनिमल, मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे, विच वर डिकम्पोज बाई द सॉइल माइक्रो, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस डिकेड मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस, ऐसे मरे हुए जानवर या एनिमल्स प्लांट्स पेड़ पौधे उन्हें ह्यूमस कहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमस दैट दिस लेयर इज डार्क ब्राउन इन कलर, इसकी वजह से ये ऊपर की जो परत होती है ये डार्क ब्राउन कत्थई कलर की हो जाती है। दिस लेयर इज सॉफ्ट, ये लेयर सॉफ्ट होती है, पोरस एस कैन होल्ड मोर वाटर, और ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी भरने की क्षमता रखती है। इट इज अ होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बॉर्म इंसेक्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। बी हॉरिजॉन ऑफ सबसॉइल, बी देखेंगे इसका, द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर इज कॉल्ड बी, इसके ठीक नीचे वाली जो परत होती है वो बी हॉरिजॉन कहलाती है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ सबसॉइल, जिसको सबसॉइल भी कहा जाता है। दिस लेयर इज रिच इज सॉल्युबल मिनरल एंड आयरन ऑक्साइड इज लाइट इन कलर बट हैज लिटिल और नो ह्यूमस, ये थोड़े हल्के कलर की होती है और इसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमस
नहीं पाया जाता है। सी हॉरिजॉन और पेरेंट रॉक, इसको सी हॉरिजॉन को पेरेंट रॉक भी कहते हैं। दिस इज अ पेरेंट रॉक एंड इट लोकेटेड जस्ट बिलो इन सब सॉइल, ये तीसरे नंबर पे होती है और सब सॉइल के नीचे वाली होती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक, इसके अंदर छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े भी पाए जाते हैं। विद क्रैक एंड सर्वाइव प्लांट रूट आर नॉट फॉर्म इन अ लेयर, इसमें प्लांट की रूट इसमें नहीं होती है। दे रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन द लेयर एंड ग्राउंड वाटर दे आर लैक्स ह्यूमस एंड द इनफर्टाइली, और ये उपजाऊ भी नहीं होती है, ज्यादा हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती है। इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।